टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत सरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं नगरोटा में और जब जगती से टिकरी तक हम देखते हैं तो लगभग लगभग इस वक्त 500 से 600 ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक्स यहां पर एक कतार में खड़े हैं और कब से खड़े हैं के बारे में शायद आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रफीक। रफीक, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग कितने दिन से यहाँ पर खड़े हैं? सर हम यहाँ पे 4-5 दिन से खड़े हैं। 4-5 दिन से खड़े हैं। हाँ जी। तो किस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं सबसे पहले आप वो बताएं। परेशानी तो सर बहुत आ रही है यहाँ पे, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना बाथरूम है, ना कुछ है, ना दुकान है यहाँ पे, ना गैस की दिक्कत हो रही है, खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। यहाँ से हमें दूसरा हेल्पर भेजना पड़ता है, या तो जम्मू भेजना पड़ेगा या फिर वो जजर कोटली भेजना पड़ेगा। आफ्टर डिस्टेंस यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर बंदा भेजना पड़ता है यहाँ से। पहली चीज़ तो ये कि आप लोग तो बहुत मुश्किल से ही अपना रहन बसर जो करते हो, बड़ी मुश्किल से, पैसों की कमी भी होती है कहीं ना कहीं, हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, लेकिन एक जो ड्राइवर तबका होता है बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो पहले तो इतने दिन तक यहाँ पर खड़े रहना, खाने पीने का इंतज़ाम कैसे हो रहा है? सर खाने पीने का इंतज़ाम क्या करें, घर से हम थोड़ा सा लाते हैं वो तो रास्ते में ख़त्म होता है, फिर ले आना पड़ता है, कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता है। ऊपर से मतलब पुलिस वाले भी तंग कर रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हर कोई तंग कर रहे हैं। पुलिस वालों की तरफ से किस तरीके का प्रेशर आ रहा है? प्रेशर ये आ रहा है सर, मतलब गाड़ियां लाइन में होती है, निकालो यहां से, कोई लाइन खड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, सब इसके ऊपर पड़ते हैं ट्रक ड्राइवर की वजह से। और पानी की सुविधा, अगर पानी पीना हो तो उसके लिए किस तरीके की, सबसे अगर बुरी तरीके की बात की जाए, सबसे लास्ट बोलते हैं एक बेस्ट और एक वर्स्ट, सबसे वर्स्ट क्या हालत है पानी की पीने के लिए? सर कई बार पानी मिलता है कई बार नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो है ना पंप से पानी लाते हैं, मगर यहाँ पे पंप भी दूर है और कई बार फिर दुकान से ख़रीदना पड़ता है, और बोलते हैं कि हम नए टैंकर भेजा है तो वो तो आता ही नहीं है टैंकर, बीच में आते बीच में नहीं आते। यहाँ पे अभी हमने लगभग 3-4 किलोमीटर जाके हमने पानी लाया है सर। मेन वजह क्या है कि ये जो इस तरीके से लोग यहाँ, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं यहाँ पर खड़े हैं, हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, कुछ को तो हफ्ते से 10 दिन भी हो गए हैं। सबसे पहली चीज़ अगर खाद्य सामग्री, अगर खाने पीने का सामान है, उस पर किस तरीके का असर पड़ता है? उस पर सर बहुत असर पड़ता है, कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता है, उसका हमें बहुत मतलब जो है ना परेशानी उठानी पड़ती है खाने पीने में। लोडिंग की हो, खाने पीने का सामान लेकर जा रहे हो, कोई फ्रूट लेकर जा रहे हैं या कुछ लेकर जा रहे हैं तो वो सर तो ख़राब होता है पहले ही, फिर लास्ट में मंडी में गाड़ी पहुँचती है तो उसको भाड़ा भी नहीं मिलता है, ऊपर से व्यापारी बोलता है कि आपने फलाने टाइम पर पहुँचना है, जब कानवे नहीं छोड़ते तो कहाँ जाएंगे गाड़ियाँ, कहाँ जाएगी। आपका क्या नाम है? जावेद अहमद। जैसे कि रफीक ने कहा कि कानवा ही नहीं छोड़ते हैं तो हम कैसे पहुंचेंगे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक जो ड्राइवर तबका होता है, आज जिस तरीके की परेशानी श्रीनगर नेशनल हाईवे पे देखने को मिलती है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, क्या कहना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को, किस तरीके का कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ जाएगा, जब ये ट्रक ड्राइवर है उसको जब छोड़ेगा यहाँ से रोकना पड़ जाएगा, 4-5 दिन हमें लगता है इधर, थोड़ा जोर से 4-5 दिन हमें लगता है इधर, परेशानियाँ बहुत है, पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं, का सामान भी खत्म हो गया। तो रोड का काम बड़े पैमाने पर लगा है लेकिन रोड आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है? नहीं हो गया सर। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या क्या वजह है? उस पर सोचता नहीं है ना सर, एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं कमी, उसकी कमी है। उस्ताद जी तो कुदरू आए हो? गुरदासपुरा। कितने दिन हो? चौथा दिन। मतलब तो उससे बुजुर्ग भी हो, किस तरीके की मुश्किल का सामना करना? बहुत मुश्किल है इतने, मेन गल है भी छोटी गड्डी वाले कार वाले जड़े ने वो ना गड्डी खलोन देते, ना किसी बंदे ने ड्राइवर ने खलोन देते, लोगी गला कट देना, किधर जाइए अभी ना, इतने रोटी ना पानी, इतने आके प्रशासन वाले आके देख, कहीं कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है, साड़ी बुरी हालत है, कभी कितने 5-5 किलोमीटर दूर जाके कितों पिंडों के राशन लिया के रोटी खा रहे। और पानी अगर पीना हो तो पानी है ही नहीं, पानी कितने मंग के लोगों को, कभी किसी के घरों को लोग गला कट देने, है ही नहीं पानी। सर अगर आप मेरे साथ आगे चलोगे यहाँ पे जंगल से थोड़ा सा ना, वो मतलब जैसे वो बारिश वाला पानी आ रहा है सर, उसको ना नीचे से ड्राइवर ने एक बोतल लगाई है जी। उसने सुबह से उसको कहने लगाया नीचे पानी पीने के लिए, जुमा करने के लिए कि हम ये पानी पिए, ऊपर से ये भी नहीं पता है कि वो पानी आता कहाँ से है, वो गंदा पानी है, क्या पानी है, मजबूरी में वो ड्राइवर वो भी पिएगा बेचारा, क्या करेगा, भूखा तो नहीं मरेगा? ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कोई बीमार हो या कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो,
कई चीज़ें होती हैं, तो क्या मतलब कई बार तो खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है आप लोगों को? आप इतने दिन से, मुझे नहीं लगता, जब मैं आया तो मैंने देखा आप लोग चाय और बिस्किट से गुजारा कर रहे थे, कितने दिन से ये सब चल रहा है? ये सर हमने लगभग 3-4 साल से 5 साल से मैंने ये देखा है, ये सिस्टम। हाँ ये सिस्टम, रोड का काम वो कभी बंद होता है, कभी खुला होता है, कभी 2 घंटे कानवे छोड़ती है, 3 घंटे कानवे छोड़ती है, ऐसे थोड़ी चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा इस बारे में कि क्या क्या कड़े कदम क्या उठाए जा सकते हैं, आप क्या अपील करना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन? सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि मतलब हमारा भी सोचो, कानवाई अच्छी तरीके से चलाओ, अगर यहाँ का एक दिन छोड़ना है वहाँ का एक दिन छोड़ो, गाड़ियाँ भी पास करो। सर ये छोड़ते हैं कानवाई, हम ये नहीं बोलते कानवाई नहीं छोड़ते, बट आगे जाम लगता है, जाम की वजह से गाड़ियां पार नहीं होती है। 1 घंटा 2 घंटा जब कानवाई छोड़ते हैं सर, उसमें जाम लगता है, तो जो बेचारा मतलब 5 दिन 6 दिन से एक ही जगह खड़ा है वो तो वहीं ही रहता है बेचारा, वो बोलता है आगे कानवाई छोड़ा है, बट वो पूछता नहीं है वहाँ पे, वो पूछ ही नहीं पाता है क्योंकि जाम लगता है, टोल का जाम। क्या करना चाहिए और टोल पे किस तरीके की परेशानियां आती हैं? आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि टोल पे हमें जो है हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। सर टोल पे ये सिस्टम है कि मतलब अगर अभी गाड़ी अंडरलोड है सर, उनके ना कांटे में दिक्कत है सर, वहाँ पे वो दिखा रहा है कि ओवरलोड है गाड़ियाँ, फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे लेने पड़ते हैं। तो आप कभी कंप्लेन नहीं करते हो या आप उन्हें बोलते नहीं हो कि हमारे साथ जो है आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, ये ना इंसाफी है? सर जस्टिस तो हमने किया है, बहुत बार हमने किया है, इंटरव्यू भी दिया है, बहुत बार हमने बोला है कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है सर, वो बोलते हैं कि नहीं हमारा कांटा ठीक है, आपका जो पीछे से माल है वो आप शायद मतलब वो आप झूठ बोलते हो हमारे से, हम बिल्टी भी दिखाते हैं, कांटा पर्ची भी दिखाते हैं, ऐसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, टोलों पे भी नाइंसाफ़ी होती है। अब क्या भारत सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहोगे, क्योंकि ये इकलौता हाईवे है जो श्रीनगर को, कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ता है, तो इस पर किस तरीके का खास तवज्जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को देना चाहिए? सर जैसे देश के सैनिक पूरे मतलब इंडिया को चलाते हैं, वैसे ट्रक ड्राइवर मतलब पूरे इंडिया को चलाता है। सरकार को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि जैसे ही मतलब हमारे सैनिक है वैसे ये भी एक सैनिक है, ये पूरा हिंदुस्तान को चलाता है सर, इस बारे में इनको भी सोचना है कि नहीं इनको कैसे चलाएं, हमारे बारे में मतलब कुछ अच्छा सा कानून बने जिसमें हमें भी थोड़ा आसानी मिले, हमारी सर ही मतलब रिक्वेस्ट है सरकार से। चलिए आपने देखा किस तरीके की परेशानियां जो हैं ड्राइवर तबके को फेस करनी पड़ रही हैं, क्यों ये इसलिए फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि जो रोड है उसका काम बड़े पैमाने पर लगा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए पिछले कई सालों से या यूं कहें कि कई दशकों से इसका काम जो है वो लगा है, लेकिन देखा ये जा रहा है कई बार नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से तो कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ वजहों से कहीं ना कहीं काम जो है वो रुक जाता है, और हम सब जानते हैं कि इसका काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, और जो गड्डीज हैं या फिर जो गुज्जर बकरवाल हैं वो अपने जो जानवर हैं उन्हें वो चराने के लिए लेकर आते हैं, तो वहाँ पर बहुत जाम लगता है, जिसके चलते जो परेशानी है वो फेस करनी पड़ रही है ड्राइवर तबके को। इन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी, जैसे हिंदुस्तान का फौजी पूरे देश को चलाता है वैसे ही ट्रक ड्राइवर्स भी, ये ट्रक वाले भी पूरे देश को चलाते हैं, क्योंकि अगर ये अपना काम एक दिन के लिए भी बंद करेंगे तो शायद मेरे और आप तक हमारी जरूरतों का सामान ना पहुंच पाए। आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर हम सभी तक साझा करें। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं प्रशांत सरीन द टाइपराइटर।